दोस्तों नमस्कार। आज हम एक और हस्त मुद्रा लेके आए हैं इस वीडियो में। ये हस्त मुद्रा तर्जनी उंगली से रिलेटेड है, इंडेक्स फिंगर से रिलेटेड है और इसका हम एक प्रयोग करेंगे और इसको कैसे करना है ये हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले हम बहुत शॉर्ट में बताते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको वात रोग या वायु रिलेटेड या एयर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं बॉडी में, प्राण रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, वो वात रोग जो है उनको घेरे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फिजिकल या साइकोसोमेटिक इश्यूज हैं उसमें 80-90% जो है वो वात रिलेटेड रोग ही होते हैं। और अगर हम इस मुद्रा को करते हैं तो ये जो वात रिलेटेड जो रोग हैं उनमें हमें बहुत ही राहत मिलती है। बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है, यह हस्त मुद्रा है। और दूसरा ये है कि अगर आप में कोई सेक्सुअल रिलेटेड कोई डिजीज़ है या यौन रोग आपके अंदर हैं, उनको भी ये मिटिगेट करता है एंड इट गिव्स यू अ स्ट्रेंथ और आप हेल्थ की तरफ बढ़ते हो इसमें। तो दो चीज़ों में ख़ासतौर पे बहुत ही उपयोगी है। एक तो आपके अंदर जो भी वात रिलेटेड जो रोग हैं, डिजीजेज हैं, उनको ये ठीक करता है। और दूसरा ये आपको अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कुछ हैं तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो करना इसको बहुत आसान है और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ये भारत मुनि के द्वारा ये हस्त मुद्रा बताई गई है। और आपने देखा होगा कि अक्सर भगवान कृष्ण वो हमेशा ऐसे ये तर्जनी उंगली का बहुत सुदर्शन चक्कर जब घुमाते थे तो ये इस उंगली का यूज़ करते थे। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सर्वशक्तिशाली मुद्रा है। इससे जो भी एनर्जीज हैं वो सारी आपके आसपास जो है वो एक्ट करना शुरू कर देती है। तो आपके जितने भी वात रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, वो मिटिगेट होते हैं और आप में यौन शक्ति का बहुत ही यौन शक्ति वर्धक है बेसिकली ये मुद्रा। और अगर यौन रिलेटेड कोई आपके कुछ इश्यूज हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो उसको ठीक करता है। तो बहुत ही सर्वशक्तिशाली ऊर्जा है। इसको हम बताते हैं करना कैसे है। बहुत ही आसान है। इसको आप जो है इसको आपको फिर वही ऐसे करना है और अपना जो अंगूठा है इसको तीन उंगलियां आपको मुट्ठी ऐसे बंद करनी है और अंगूठा आपको मिडिल फिंगर के ऊपर रखना है, ऐसे मिडिल फिंगर के ऊपर, ठीक है। और ये उंगली सीधी रहेगी, देख लीजिए ध्यान से। तीन उंगलियां ये पाम में आ जाएंगी, एक मुट्ठी बन जाएगी और ये सीधी रहेगी और अंगूठा मिडिल फिंगर के ऊपर आ जाएगा और ये अंगूठी ऐसे अंगूठा ये तर्जनी उंगली ऐसे सीधी रहेगी। और दूसरे हाथ से भी ऐसे ही है। इसमें जो तीन उंगलियां हैं ये ऐसे आ जाएगी, ये और अंगूठा मिडिल फिंगर के ऊपर आ जाएगा और ये ऐसे सीधा रहेगा। इसको आप अपनी तरफ सीधा करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तर्जनी उंगली को यूज़ करते हुए ये एक पावरफुल हस्त मुद्रा है। लेकिन अभी ये हमने सिर्फ बनाई है, इसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बहुत ही थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। इसको आपको पहले कम से कम एक मिनट इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, एक मिनट क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, एक से दो मिनट। और फिर एक से दो मिनट आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसको इस मुद्रा को अपनी तरफ ऐसे रखते हुए और फिर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। मैंने बताया ना कि ये सर्वशक्तिशाली ऊर्जा है, ये मुद्रा है जो जो डिवाइन पावर्स है उनको ये बिल्कुल जागृत करती हैं। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं पहले एक मिनट लगभग और फिर एक से दो मिनट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। बहुत ही आराम से करना है, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है। एक से दो मिनट आप क्लॉकवाइज करें और एक से दो मिनट एंटी क्लॉकवाइज करें। तो जैसे ही आप ये करना, इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं, बस इसकी कंडीशन वही है जो हम हस्त मुद्राओं में हमेशा आपसे बात करते हैं कि दो कंडीशन इसमें मेन है। एक तो ये है कि
यू शुड बी इन अलाइंट स्टेट, आपकी बॉडी आपकी अलाइंट स्टेट में होनी चाहिए, मीनिंग देयर बाई दैट योर बैक, योर शोल्डर्स, योर नेक शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, आइज आपकी कंफर्टेबली क्लोज होनी चाहिए एंड यू शुड बी ब्रीदिंग नेचुरली। आप इनहेल करेंगे और अगर हो सके तो होल्ड करेंगे और फिर आप इसको एक्सहेल कर देंगे थ्रू नोज और माउथ। तो ये आप जब 10-12 बार अलाइंड स्टेट में रहते हुए आंखें बंद करते हुए जब आप 10-15-20 बार जब सांस लेते हैं तो आप कूल डाउन स्थिति में तब इस मुद्रा को बनाइए, इस मुद्रा को बनाइए और फिर इसको ऐसे अपनी तरफ अपनी हथेलियाँ रखते हुए और फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाइए और नॉर्मल सांस लेते रहिए और हो सके तो होल्ड करिए और फिर एक्सहेल करते रहिए। इनहेल करिए, होल्ड करिए, फिर एक्सहेल कर दीजिए। इनहेल करिए, होल्ड करें, एक्सहेल करें। अब ऑपोजिट, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट या इवन 3 मिनट तक भी आप एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमा लीजिए और एक बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। तो ये मुद्रा जैसे ही आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो इट विल ट्रिगर मैनी पावरफुल एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज, विच विल हील योर वात रोगस, जो भी फिजिकल और साइकोसोमेटिक इश्यूज आपको वात रोग के कारण है वो आपके सारे डेसिमेट होंगे, मिटिगेट होंगे। और दूसरा, आपकी जो सेक्सुअल जो एनर्जीज हैं वो दिल गेट एम्पावर्ड, वो थोड़ी सी और आपकी बढ़ेंगी। और आपको पता है कि जब आपका सेक्सुअल चक्र, जब आपकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है तो क्रिएटिविटी, सेंसुअलिटी, ये सारी चीज़ें भी आपकी बढ़ती हैं एंड आप एक ओवरऑल जो वेलबींग आपका होता है। तो थैंक यू सो मच, इसको करिए और इसको कभी भी कर सकते हैं, 3 से 5 मिनट या 1 से 2 मिनट 3 मिनट करने में कोई बुराई नहीं है। और ये आपको एक ओवरऑल हेल्थ आपको देगा, खास तौर पे दो चीज़ें जो मैंने बताई, वात रोग के केस में ये सारे वात रोग को नष्ट करेगा और दूसरा ये आपके सेक्सुअल अगर इश्यूज हैं तो उसको भी ठीक करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड इफ़ यू वॉन्ट सम वीडियोज़ टू बी मेड फॉर यू फॉर एनी ऑफ द हेल्थ इश्यूज यू आर कन्फ्रंटिंग विद, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू सो मच।